हेलो गाइस, आज यहाँ कुनपुरी में किसी के घर में आग लग गया है। देख सकते हो आप, पूरा धुआं निकल रहा है और सब कोई रोड में खड़े होकर देख रहे हैं। अरे पता नहीं क्या हुआ होगा, खतरनाक टाइप से आग लग गया है। अंदर आदमी लोग भी फंसे हैं क्या? नहीं है भाई, अंदर से तो आदमी निकाल लिए हैं। देखो क्या हो रहा है, ये पूरा सामान खाली हो रहा है यहाँ से, देख लो। पूरा भाई अंदर ऊपर दुकान में आग लग गया, देख सकते हो। खाली कर रहे हैं दुकान का। पूरा पब्लिक भाई, ये है तिरुपति ऑटो, यहाँ से पूरा सामान खाली कर रहे हैं। देख सकते हो सभी लगे हैं हेल्प करने के लिए। भाई पूरा आग बढ़ते जा रहा है, देख सकते हो पूरा धुआं। ये देखो दुकान भी खाली कर रहे हैं। ये है भाई सिंधुड़ी का तिरुपति ऑटो। अंदर अब पहले तो केवल धुआं निकल रहा था, लेकिन अब पूरा आग लग चुका है, पूरा धुआं भी पड़ते जा रहा है। देख सकते भाई, दुकान जल्दी से जल्द खाली हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। अंदर पूरा आग देख लो बढ़ चुका है, बहुत भयानक आग लग चुका है अंदर। पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, इधर भी आग लग चुकी है। पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। पूरा वायर वायर सब में भी आग लग गया, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए सब। आग चल बेटा, देख सकते हो वो तो शुक्र करिए कि कोई इंसान अंदर नहीं है। अरे पीछे आ गाड़ी, यहां से दिखना था भाई। ओए तार के सामने से हट जा रे, तार के सामने से हट जाओ भाई, तार वार जल के गिर सकता है। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। आप देख सकते हो कितनी भीड़ लगी हुई है रास्ते में। आग के लपटे भी पूरा बाहर आ रही है, और यहाँ फायर ब्रिगेड का भी कोई सुविधा नहीं है। आग लग चुकी है, इतना जल्दी दुकान खाली हो जाए उतना ज्यादा अच्छा है। अब रोड भी जाम हो चुका है। कहाँ जी है? तो भाई यहाँ फायर ब्रिगेड का सुविधा नहीं है, बताओ। इतना बड़ा जगह है, इतना बड़ा, किसी को पूछ जाता तो
और दे देखो कांच वाच भी फूटना चालू हो गया। ए भाई पीछे हो जाओ आदमी। भाई अभी तक मेरी दुकान से सामान खाली नहीं हुआ है। और ट्रैक्टर को रुकवाओ, ट्रैक्टर को रुकवाओ, ए पीछे करो उसको, ट्रैक्टर को पीछे करवाओ साला का। भाई आज देख सकते हो लपटे बढ़ रही है। भाई दुकान खाली हो जाएगी कहीं तो भारी नुकसान हो जाएगा। खतरनाक आग बढ़ चुका है भाई। तो भाई थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। गाड़ी ले रहे भाई, पूरा आग लगा हुआ है, देख सकते हो। नल वल चालू करके पानी वानी तो डालने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी लपटे पूरी बढ़ चुकी है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि इतना बड़ा जसपुर जिला है लेकिन यहाँ साला फायर ब्रिगेड नहीं है। और मेरा मोबाइल भी मरने वाला है क्योंकि आज हम लोग खुद एक वीडियो शूट के लिए गए थे, अभी भी पहुँचे और अभी आके देख रहे तो ऐसा घटना हुआ है यहाँ। भाई तार वार भी में भी आग लग गया था, आधा तार तो चल के गिर गया नीचे से। भाई तो देख सकते हो आप लोग अभी अभी फायर ब्रिगेड पहुंच चुका है और आग काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर चुके हैं। अभी तक आग को बंद, आग तो बुझ गई है, अब पर फायर ब्रिगेड आने में थोड़ा लेट कर दिया जिसकी वजह से ऊपर का तो पूरा जल ही चुका है, देख सकते हो आप लोग। और हम लोग भी घुसे थे अंदर, काफ़ी सामान निकाले भाई, नीचे का दुकान खाली कर दिए इनका और ऊपर का तो पूरा सामान बर्बाद ही हो चुका है, देख सकते हो। एक इधर से भी फायर ब्रिगेड लगा हुआ, फायर ब्रिगेड के आदमी पानी डाल रहे हैं, दोनों साइड से पानी डाल रहे हैं, तब जाके कंट्रोल हुआ है। ये भाई यही दुकान है जिसमें कल आग लगी थी, ऊपर वाले फ्लोर पे आग लगी थी, नीचे वाले फ्लोर की में एक दुकान थी जिसको सब मिल के खाली कर दी, जिसकी वजह से वीडियो पूरा बना भी नहीं पाया था और मेरा मोबाइल भी मर गया था, मतलब स्विच ऑफ हो गया था। इसलिए मैं कल एक नया वीडियो बनाने के लिए गया हुआ था कहीं, तो फ़ोन का बैटरी उधर ही लगभग ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका था, यहाँ पहुँचते तक 5% ही बचा था। कल ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाया, देख सकते हो आप लोग।
यही वाला दुकान है ऊपर में, अभी उसको तोड़ रहे हैं। अब नीचे का दुकान को सब मिल के खाली कर दिए थे, नहीं तो अगर नीचे भी आग वग लग जाता तो काफ़ी नुकसान हो जाता इनका। लेकिन नीचे का सामान खाली कर दिए सही वक्त पे सभी मिल के। देख सकते हैं यही दुकान है, फैंसी गिफ्ट कॉस्मेटिक व जनरल सामग्री करके है, जस्तम चौक फुनपुरी का है। और बगल में हीरो होंडा बजाज पल्सर सर्विस सेंटर है।